हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो अभी हो रहा है रात का टाइम, अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। पूरे घर में सबको मैंने खिला दिया है, मेरे दोनों क्यूटी सो गए हैं, पति देव को मैंने खिला दिया है। तो इस समय 2-3 दिन से लगातार तहरी बन रही है मेरे यहाँ, तो मैं बार बार वीडियो नहीं शेयर करना चाहती हूँ। तो लेकिन फिर भी अभी जो ब्लॉगर है ना, उसको लगता है कि मैं क्या कैप्चर कर लूँ कैमरे में। मतलब वो दीवाना रहता है कि क्या चीज़ उसके सामने आए और वो कैप्चर कर ले फटाफट। तो यहाँ पर फटाफट मैंने पति देव का खाना निकाला और उनको खाना देने के बाद फिर जो है यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत काम किए, फिर मैं खाना खाई और फिर अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मेरा काम शुरू हो चुका है। ये चाय जो भाप निकल रही ना, ये चाय वाली भाप है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो आज मैं आपके साथ अपनी पूरी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद है आज मेरा आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ साथ छोड़कर रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देख लेना और अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है और आप लोग थक जाते हो एक लाइक करने में, पता नहीं क्यों। तो चलो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी शुरू तो मैंने पहले ही कर दिया है, बस मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो उसमें मैंने कहा, क्योंकि बहुत सारी बातें पहले ही मैंने कर ली। बहुत बकबक बकबक करती हूँ ना मैं सच में। यहाँ पर फटाफट से चाय छाना पति देव को दिया मैंने, लिया। गुड मॉर्निंग, अभी मॉर्निंग का चाय बन गया है मेरा। चाय पीने के बाद फटाफट मैंने बहुत सारे घर के काम किए और यहाँ पर पतिदेव दोनों बच्चों को मैंगो खिला रहे थे और मैंगो खिला मैं यहाँ पर पोछा लगा चुकी थी। और उसके बाद जो है ये लोग मैंगो खाने के चक्कर में इतना इन लोगों ने कबाड़ा कर दिया ना रूम का कि एकदम हालत ख़राब है। तो फटाफट मैंने इसको साफ़ किया क्योंकि इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं ना, फिर हालत ख़राब हो जाती है सच में। सबसे मेरे लिए सबसे बड़ा काम इस समय यही है कि बच्चों को मैंगो खिलाना। मैं पति देव से कहती हूँ कि भाई तुम मैंगो वाला काम तुम रखो, बाकी सारा काम मैं करूँगी, क्योंकि मैंगो वो खिलाते हैं तो ही जो है सही रहता है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती, मुझे एकदम लीपा पोती हो जाता है। तो फटाफट सारा काम मैंने ख़त्म ही कर लिया था और उसके बाद यहाँ पर कपड़े धुलने की बारी थी, जो कि ये गंदे कपड़े हो जाते हैं, पति देव के थे, मेरे थे, बच्चों के थे, जो कि वॉशिंग मशीन में कम धुल साफ होते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि जब आपके यहाँ वॉशिंग मशीन है तो आप हाथ से क्यों धुलती हो। तो भाई देखो, मैं दिखावा नहीं करती कुछ भी, मैं जो भी होता है ना मैं साफ साफ बताती हूँ। तो अभी देखो ये कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जो कि धुलने में ना थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि बस फटाफट जो है भिगा देती हूँ और हाथ से का जो है सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। वैसे तो उठती हूँ 5 बजे, लेकिन जो है मेरा काम 11, 12, 1 ऐसे हो जाता है, मतलब काम ही मेरा नहीं ख़त्म होता। सुबह 5 बजे से 11 बजे तक इतना काम, बाप रे, हज़ारों काम मैं एक साथ निपटाती हूँ। सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा सकती, जो भी मैं दिखा सकती हूँ दिखाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता ना कि कैमरा वहाँ है, फ़ोन वहाँ है, कौन लेने जाए, रहने दो ऐसे ही कर लो। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है ना, बच्चों से छुपा के रखना पड़ता है। और कभी कभी बच्चे मेरे जगते रहते तो बीच बीच में आते रहते हैं, तो भी मैं ब्लॉग्स नहीं बनाती क्योंकि मैं बच्चों को लेना नहीं चाहती ज़्यादातर उनका। मैंने अलग से एक चैनल बनाया है जो कि आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो उस पर मैं उनका ब्लॉग्स वगैरह डालती हूँ। तो ज़्यादातर मैं उनको इसमें शामिल नहीं करना चाहती क्योंकि बच्चे अब समझ सकते हैं आप लोग ऐसे ही घर में टहलते रहते हैं, तो इस चक्कर में ना मैं ब्लॉग्स मेरा बन ही नहीं पाता है। नहीं तो मैं इतने ज़्यादा काम किसी दिन मैं दिखाऊँगी, पूरा दिन छोटे बड़े जितने भी मैं काम करूँगी ना, ऑल टोटल मैं पूरा दिन दिखाऊँगी। वैसे अभी मैं लाइव करती हूँ तो लाइव में आप सभी को दिखाती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि देखते हैं। अभी आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना, क्योंकि आप सभी देखते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। और इतने सारे काम करने के बाद जब आपको गर्मा गर्म ये सारी चीज़ें खाने को मिल जाए, तब पूछिए कि क्या होता है। बहुत सुकून मिलता है, बहुत राहत देता है ये सारा खाना, बहुत मज़ा आया खाकर। क्योंकि पति देव जब घर पे रहते हैं और देखते हैं मुझे इस तरह से इतना ज़्यादा काम करते हुए, तो कहते हैं कि चलो आज कुछ मत बनाओ, हम लेकर आते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर देखो ये है यम इसी टिक्की, साथ में है ये पास्ता जो कि मेरे मोहल्ले में ही मिलता है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो है मेरा नाश्ता वास्ता हो गया है और नाश्ते में मैंने पास्ता खाया है, टिकिया खाया है, तो आज का दिन बन गया खा के। अभी मस्त होकर बैठी हूँ, बच्चे सो रहे हैं
और जो है क्या कहते हैं, आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना। और इस तरीके से मेरे 5 बजे से 11 बजे तक हज़ारों काम मेरे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है, बहुत 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 ज़्यादा। तो चलो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग देखते वैसे भी नहीं हो तो क्या मतलब। तो चलो फिर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी।